अहम खबर, जहां विवादों में नर्मदापुरम कलेक्टर सोनिया पीड़ा। इस वक्त की अहम खबर आपको बता दें, भोपाल से है, जहां विवादों में नर्मदापुरम कलेक्टर हैं। नर्मदापुरम में प्रशासनिक समन्वय की कमी की खबरें जब जब उठाई जाती हैं। इस पूरे मामले को लेकर पत्रकार के परिवार को परेशान किया जा रहा है। जज को नोटिस भेजकर भी विवाद खड़ा कर चुकी हैं। कलेक्टर की मनमर्जी लगातार जारी है और जिम्मेदार इस पूरे मामले पर मौन साधे हुए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे भोपाल ब्यूरो चीफ अनुराग मालवी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग, क्या कुछ जानकारी इस पूरे मामले में कलेक्टर की मनमर्जी को लेकर? देखिए, बिल्कुल, लगातार अगर हम बात करें सोनिया मीणा की, तो कई सारे विवादों में है, कोई एक विवाद नहीं है उनका। जब से वो उन्होंने नर्मदापुरम ज्वाइन किया तब से लेकर अब तक के पत्रकारों से उनके सबसे ज्यादा विवाद हुए हैं, मीडिया कर्मियों से उनकी कई दफा बहस हुई है, और जो उनका व्यवहार है वो बड़ा अजीबोगरीब है। और नाराजगी अजीबोगरीब कारणों से होती है। जब कोई जिला प्रशासन की गलतियों को उठाता है, किसी मुद्दे की खबर छापी जाती है, तो वो उस व्यक्ति से नाराज हो जाती है, उस पत्रकार से नाराज हो जाती है। इसी तरह का एक वाकया हुआ जिसमें भोपाल के एक पत्रकार ने एक खबर छापी मिड डे मील को लेकर और जिला प्रशासन की लापरवाही को लेकर। उसके बाद में कलेक्टर नाराज हो गई और नाराजगी भी उन्होंने उनके परिवार पर निकाली। उन पत्रकार की जो बहन थी वो उन्हीं के जिले में, यानी कि नर्मदापुरम जिले में थी पदस्थ, और आंगनबाड़ी जो केंद्र है उसमें पदस्थ थी। वहां आंगनबाड़ी केंद्र की जांच करवा दी बकायदा एसडीएम को भेज के और प्रशासनिक टीम को भेज के, ज्यादा कुछ वहां मिला नहीं। उसके बावजूद रात के 10 बजे वो टीम पहुंची नोटिस देने परिवार को, उनकी बहन को। मतलब ये पूरा मसला कुछ इस तरीके का था, जो बता रहा था कि खबर छापने के एवज में व्यक्तिगत दुश्मनी निकालने की कोशिश कर रही है कलेक्टर। और इतना ही नहीं, इसके पहले भी जो उनके कई सारे विवाद हैं, एक जज को ही उन्होंने नोटिस भेज दिया था, उस पर खूब फटकार लगी थी जो है, कहीं ना कहीं अगर हम देखें अदालत के द्वारा। तो कई सारे ऐसे विवाद हैं, लेकिन विवादों के बावजूद भी उनकी हिम्मत देखिए कि उन्हें विवादों से डर नहीं लगता। लगातार वो इस तरह की बातें करती हैं। अगर बात करें अगर हम वहां के प्रशासनिक अधिकारियों की, तो वो दबी जुबान से बोलते हैं कि यहां पर लेक ऑफ कम्युनिकेशन, लेक ऑफ कोऑर्डिनेशन बहुत है, मनमर्जी चल रही है, एकाधिकार चल रहा है, जिसके कारण जो है प्रशासनिक जो चीजें हैं वो भी प्रभावित हो रही है। अगर हम बात करें, बड़ी बड़ी बातें होती हैं, बड़े बड़े हमने दावे सुने हैं, लेकिन अवैध रेत उत्खनन जमकर चल रहा है नर्मदापुरम में, और इसकी बात वहीं के कई जनप्रतिनिधि ने उठाई है, पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष ने उठाई है, पूर्व विधायक ने उठाई है। सत्ताधारी दल के लोग ही जो है कहीं ना कहीं जिला प्रशासन की जो कार्रवाई है, जो वर्किंग स्टाइल है, उसका कहीं ना विरोध करते नजर आए हैं। पर आश्चर्य की बात यह है कि उन पर कभी किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की, किस तरह से संरक्षण उनको मिला है कि वो लगातार इस तरह की चीजें करती जा रही हैं, विवाद पैदा हो रहे हैं, पर उनकी तरफ जो है किसी तरह की कोई कार्रवाई या उनसे जो है इस मामले में किसी ने संज्ञान नहीं लिया है, किसी ने भी संज्ञान नहीं लिया। और देखिए, किसी भी व्यक्ति के बारे में अगर बात करें तो मनमर्जी तभी होती है कभी ना कहीं उसको कोई ना कोई संरक्षण मिल रहा हो और प्रेशर कहीं ना कहीं नहीं हो। अब इन पर अगर हम बात करें तो किसका संरक्षण मिलता हुआ नजर आ रहा है, कोई अंदरूनी स्तर पर अगर बातचीत की जाए तो? देखिए, जो अगर चर्चाएं आम की बात करें या लोगों की बात करें, तो भारतीय जनता पार्टी के कुछ बड़े चेहरे हैं संगठन के, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि वो काफी जो है उनका कलेक्टर जो है नर्मदापुरम उनका प्रभाव रहा है, उनका संरक्षण इन पर रहा है। और इसी संरक्षण की कहीं ना कहीं जो है बानगी भी आती है जब वो पत्रकारों के खिलाफ इस तरह के एक्शन करती है, उनके परिवार के खिलाफ एक्शन करती है, जज के खिलाफ एक्शन करने की वो हिम्मत दिखाती है। एक्शन मतलब ऐसा नहीं, इसको रिएक्शन बोलेंगे। अगर हाँ, किसी ऐसे नियम कानून के अंतर्गत आप कार्रवाई कीजिए, कोई विरोध नहीं करेगा, लेकिन बदले की भावना से आप करेंगे तो फिर बड़े सारे सवाल उठते हैं। और इतने मतलब मीडिया को चौथा स्तंभ कहा जाता है, अदालतों को अपना स्तंभ कहा जाता है, पहले प्रथम जो चार स्तंभ है देश के जो माने जाते हैं लोकतंत्र के, उसमें से अगर आप दो स्तंभों के खिलाफ अनाप शनाप कार्रवाई करेंगे तो आप सवालों के घेरे में भी होंगे और सवाल उनपे भी उठेंगे जो इन्हें संरक्षण दे रहे हैं। तो बिल्कुल, सवाल उठना लाजमी, और देखना होगा अब इस संरक्षण किसका मिल रहा है और आगे क्या कुछ होता है इस पूरे मामले में। नजर बनाए रखिए अनुराग, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। तो कलेक्टर की मनमर्जी लगातार जारी है और जिम्मेदार मौन साधे हुए हैं, कोई कुछ कार्रवाई नहीं कर रहा। हालांकि अब देखना होगा इस खबर को प्रकाशित करने के बाद, प्रसारित करने के बाद क्या कुछ एक्शन इन पर होता है, जिस तरह से लगातार परेशान कर रही है पत्रकारों को भी। और